पैदाइश के बाद हर बच्चे का एक हीरो होता है, एक सुपर हीरो होता है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन, आयरन मैन, लेकिन उससे पहले एक हीरो होता है जिसको कहते हैं पापा। मैं आज आपको मेरे पापा और उसके बाद मेरे सुपरमैन, मेरे ही मैन, मेरे स्पाइडरमैन और मेरे आयरन मैन से मिलाने जा रहा हूँ। दैट्स मिस्टर बलदेव सिंह रायसिंघानी। इज अ वेरी शाय मैन, भले ही सारे मैन है लेकिन बात करने में थोड़ा शर्माते हैं, इसलिए ज्यादा बकबक मैं ही करूंगा और इनसे सवाल पूछता रहूंगा। बचपन में ये भी शाय था, काफी शाय था, आजकल के जमाने को देखते हुए बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही ओबीडिएंट है, वी आर प्राउड ऑफ हिम। माय पेरेंट्स आर माय गॉड एंड गॉडेसेस, सो दैट्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माय फादर एंड मदर। I believe every day is Father's Day and celebration तो बस यही है, बस get a cake, go to a restaurant, get a gift, anything like that, you know, it's basically all that. Celebration is still on, आज का भी अभी इस बार भी जो Father's Day है, I'm sure there's a surprise waiting for him. मैं किसी से कुछ expect नहीं करता, लेकिन bigger expectation के हर चीज मिल जाती है. Last मुझे जो है Mercedes gift की थी. Next is Rolls Royce. ट्रिप्स तो एक्चुअली हर साल हम लोग जैसे वेकेशन, समर वेकेशन होते थे, राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ समर्स में रहा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली वो आदत डाली गई थी हमें कि वी वर टेकन फॉर हॉलीडेज इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, सो ऑल द हॉलीडेज वर वेरी वेरी मेमोरेबल। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा हॉलीडे था सिंगापुर में, जो जहाँ शायद जहाँ से मैं कभी वापस नहीं आता, तो उसके बारे में मेरे पापा आपको बताएंगे। बहुत ही छोटा था उस टाइम, शायद 2 साल का था करीब, तो हम लोग तीनों गए थे सिंगापुर में। जब वापस घूम के हम लोग बैक टू इंडिया आ रहे थे, तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब हम लोग अंदर आए तो ये अचानक हाथ छुड़वा के बाहर चला गया। तो और हार्डली कुछ टाइम था फ्लाइट के लिए, मतलब टेक ऑफ होने के लिए, मैं इमीजिएटली बाहर भागा और थैंक गॉड मिल गया, नहीं तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाता। अपना ही बच्चा मिला है किसी और का उठा के लेके? नहीं नहीं, अपना ही है। इसको बोलते हैं बाप की बापता। मैं चाहूंगा कि हर एक पेरेंट अपने बच्चों को अपने कैरियर के बारे में फुल फ्रीडम दे, जो भी उसको बनना है, एजुकेशन इज मस्ट, बाकी जो उसको बनना है उसके शौक पे डिपेंड करता है, और उसको फुल फ्रीडम दे तो वो अपने करियर में बहुत ही अच्छा करेगा। जिसने भी ये सब जो ये नहीं मानना चाहते वो 3 इडियट्स पक्का देखें, क्योंकि ये जो सीख है वो 3 इडियट्स से काफी मिलती जुलती। आपका बेटा फुटबॉलर बनना चाहता है, फुटबॉलर बनाइए उसे। बट यस टू ऑल द फादर्स, यू आर द बिगेस्ट हीरोज इन द वर्ल्ड। आपके लिए दुनिया वाले आपको जो भी कहें, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए हीरो हैं और हमेशा हीरो ही रहेंगे। आप वो सुपर हीरो हैं जिसे ऊपर से लाल चड्डी पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्टिल यू विल बी द बेस्ट। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे।